स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट जो टॉपिक था उस पर चलते हैं। हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर आपको 1-2 क्वेश्चंस कराए थे, किसके? लीनियर प्रोग्रामिंग के, जिनके अंदर स्टेटमेंट वाले 2 क्वेश्चंस मैंने आपको डिफाइन किए थे। ठीक है, आज हमने थर्ड क्वेश्चन एक लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताया था कि इस एक्सरसाइज के अंदर, ये जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स में फर्स्ट मैंने आपको फर्स्ट ही करवा रहे हैं, ये भी फर्स्ट जैसा ही अभी तक। ये तो अभी तक इतनी बड़ी तो स्टेटमेंट लिखी है मैंने। क्या होता है इन क्वेश्चनों में, काफ़ी लेंथी स्टेटमेंट है, मेरा ब्लैक बोर्ड छोटा है, लिखने में मुझे वैसे परेशानी होती है, आगे तो क्वेश्चन सोल्व हो नहीं पाता। कई बार थोड़ा शॉर्ट में भी कर देते हैं तो बच्चे सोचते हैं शॉर्ट में ही करना है। नहीं, मैं शॉर्ट में कर देता हूँ, बट आगे बोल देता हूँ कि इसकी जगह ये लाइन आएगी, तो आप वो लाइन ज़रूर राइट किया कीजिए उसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। और प्लीज़, अगर इस चैप्टर को समझना है ना, तो कंप्लीट वीडियोस को देखा करें, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। अदरवाइज चैप्टर समझ में नहीं आना है ये वाला, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन भी आएगा ना स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन भी तो इस टाइप का ही आता है कि स्टेटमेंट वाला। मैक्सिमम ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आते सिंपल क्वेश्चन के भी हैं, लेकिन मैक्सिमम इस टाइप का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। ग्राफ में क्वेश्चन होता है, हम बार बार कह रहे हैं, आप अपनी नोटबुक में क्वेश्चन करते हैं तो वो नोटबुक में केवल इनकी राइटिंग में क्वेश्चन कीजिए। ग्राफ बनाना है तो ग्राफ पेपर में ही बनाइए आप, ठीक है, ताकि आपको ग्राफ बनाना आ जाए कि किस तरह से बनाते हैं। ये नहीं कि हमने 10th में पढ़ा हुआ है, 11th में पढ़ा हुआ है ग्राफ बनाना, हम सीधा एग्जाम में ही बना देंगे। सीधा एग्जाम में कुछ भी नहीं होता है बच्चों, तो ध्यान रखना इस बात के बारे में जो बताया है मैंने वो। ठीक है, चलिए तो आज क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, देखो, एन एरोप्लेन कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर्स। मतलब एक एरोप्लेन है, उसके अंदर 200 पैसेंजर्स जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, भाई 200 पैसेंजर्स जाएंगे तो उतनी ही सीटें होंगी, क्योंकि एरोप्लेन में क्या होता है, फिक्स टू फिक्स सीटें चलती हैं। ये थोड़ी कि कोई खड़ा होकर चला जाएगा एरोप्लेन में, नहीं, तो मतलब 200 सीटें हैं और 200 सीटों के ऊपर 200 पैसेंजर बैठे हुए हैं, मतलब इतने जा सकते हैं उसमें, 200 पैसेंजर जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चले। ए प्रॉफिट ऑफ ₹1000 इज मेड ऑन, ₹1000 का प्रॉफिट होता है, इज मेड ऑन ईच एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट। जैसे हम ट्रेन में सफर करते हैं तो हमें पता है कि ट्रेन में 2 या 3 तरह की सीटें होती हैं, AC भी होती है और स्लीपर वगैरह में चलते हैं हम, और एक जनरल वाला भी होता है हमारे पास इसमें, तो उसमें भी 2-3 तरह की सीटें और टिकटें होती हैं। ऐसे यहाँ पे 2-3 तरह की टिकटें हैं, 2 तरह की टिकटें हैं। कौन कौन सी? एक एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट, मतलब थोड़ी सी हाई क्वालिटी की, ठीक है, एंड ए प्रॉफिट ऑफ 600 इज मेड ऑन ईच इकोनॉमी क्लास टिकट, और एक इकोनॉमी वाली है जो आम लोगों के लिए है। वैसे होती तो दोनों ही आम लोगों के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी अगर सफ़र करना चाहेगा, जैसे हम ट्रेन में एक मिडिल क्लास आदमी अगर वो सफ़र करना चाहेगा तो वो क्या सोचेगा, यार स्लीपर सही है, AC वाला ठीक नहीं रहेगा उसके लिए, है ना। तो ऐसे ही यहाँ भी होता है कि इकोनॉमी क्लास टिकट एक मिडिल क्लास के लिए बिल्कुल सही है, एग्जीक्यूटिव जिसके पास ज़्यादा पैसे है वो लेके जाए उसमें बैठ के, है। तो आई होप आप यहीं से क्वेश्चन को समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स, कि अगर आपको पता है ट्रेन के अंदर हम जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारा जो जनरल वाला डिब्बा होता है वो फुल हो जाता है, फिर स्लीपर का फुल हो जाता है, बाद में बचे हुए AC में जिनको नहीं मिलता वो फिर AC वगैरह में अपना देखते हैं, महंगे वाले जाते हैं उसके अंदर। ऐसे यहाँ पे है कि सबसे पहले अगर टिकटें बिकेंगी तो आपको कन्फर्म है कौन सी बिकेंगी, पहले इकोनॉमी वाली बिकेंगी ना स्टूडेंट्स, है ना, क्लियर है ना। ये तो क्वेश्चन में आगे बोला गया, इसलिए मैंने आपको यहीं पर डिफाइन कर दिया कि सबसे पहले टिकटें कौन सी बिकेंगी, इकोनॉमी वाली बिकेंगी, और भाई जब इकोनॉमी वाली खत्म ही हो जाएगी, बिकनी बंद हो जाएंगी, तो फिर वो एग्जीक्यूटिव वाली बिकनी शुरू हो जाएगी। तो मतलब पहले कौन सी बिकती है, इकोनॉमी वाली, ठीक है, देखो वही डिफाइन कर रखा है। तो कहता है एयरलाइंस को प्रॉफिट है कितने का, ₹1000 का प्रॉफिट है एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट, मतलब सारा खर्चा निकाल के ₹1000 वो एग्जीक्यूटिव वाली पे बचा लेते हैं और ₹600 बचाते हैं इकोनॉमी वाली पे, ठीक है, सब खर्चा निकाल के। आगे चले, द एयरलाइंस रिजर्व्स एटलीस्ट 20 सीट्स फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास। एयरलाइंस एग्जीक्यूटिव क्लास वाले 20 सीट रिजर्व रखती हैं, कि भाई 20 सीट रिजर्व इसलिए है कि किसी को अमरजेंसी हो, किसी बड़े आदमी को एकदम से जाना बन गया, कोई मंत्री वगैरह जा रहे हैं, एकदम से मान लो किसी को भी जाना बन जाए उस प्लेन के अंदर, जो बड़ा आदमी है
उसके लिए ये थोड़ी ना उसको ये कहेंगे कि टिकट नहीं है, सीट नहीं है, उसको जाना है तो उसके लिए तो सीट दी जाएंगी। तो क्या बोला गया है कि एयरलाइंस वाले 20 सीट एग्जीक्यूटिव की, मतलब जो अच्छी वाली सीट है उसकी 20 सीट कम से कम है, एटलीस्ट कम से कम 20 सीट तो रिजर्व रखते रखते हैं कि आप उनकी टिकट नहीं खरीद सकते भाई। उस पर तो कोई अगर जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो वो खाली ही जाने वाली हैं। और वो कम से कम कितनी है, 20 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। मान लो एक ही दिन में किसी 21 या 22 मान लो 22 या 23 लोगों को जाना बन गया एकदम से, कोई इमरजेंसी मीटिंग वगैरह हो गई, हमारे मान लीजिए PM जा रहे हैं और PM के साथ साथ है हमारे उनके साथ के छोटे मोटे नेता सारे साथ जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा उनके अंदर, तो उनके साथ एक साथ वो सीटें सारी रिजर्व हो जाएंगी उनके साथ साथ, तो 23 है 24 है 25 अकाउंटिंग में, तो 25 भी आप नहीं खरीद पाओगे फिर उस दिन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से बोला गया है इसका मतलब। आगे चलें। हाउएवर एटलीस्ट 4 टाइम्स एज मैनी पैसेंजर्स प्रीफर टू ट्रेवल बाई इकोनॉमी क्लास देन बाई द एग्जीक्यूटिव क्लास। आ गया ना वही लाइन का मतलब, क्या कहता है कि कम से कम 4 टाइम्स, 4 गुना, मतलब जो आम आदमी है, मैनी पैसेंजर्स, 4 गुना जो आम आदमी है वो ट्रैवल करना पसंद करते हैं किसमें, इकोनॉमी क्लास में। इकोनॉमी क्लास में 4 गुना ज़्यादा लोग जाना पसंद करते हैं देन बाय द एग्जीक्यूटिव क्लास, एग्जीक्यूटिव की बजाय। मतलब एग्जीक्यूटिव में लोग जाना पसंद नहीं करेंगे 4 गुना, मतलब अगर 4 टिकटें इकोनॉमी की बिकती है तब जाके 1 एग्जीक्यूटिव की बिकती है, इसका मतलब ये है। क्लियर है? और वो भी कम से कम है, बोला है ना एटलीस्ट 4 गुना, मतलब कम से कम 4 टिकटें बिकेंगी इकोनॉमी वाली तब जाके एग्जीक्यूटिव की 1 बिकेगी। तो कोई जरूरी नहीं 4 ही बिके, 5 बिक जाए, 6, 7, 8, मतलब 8 टिकटें सोल्ड हो गई इकोनॉमी वाली तब जाके 1 टिकट सोल्ड होगी एग्जीक्यूटिव वाली। मतलब कम से कम 4 है, 4 से ज्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, आगे बस समझाऊंगा, क्वेश्चन कैसे कराऊंगा। तो डिटरमाइन हाउ मैनी टिकट्स ऑफ ईच टाइप मस्ट बी सोल्ड टू ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। मतलब ये कहता है कि एयरलाइंस वाले अपनी टिकटों को कैसे कैसे बेचें, कैसे कैसे मतलब उनको सोल्ड आउट करें कि उनको प्रॉफिट क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं एक्स टिकट तो सोल्ड करते हैं वो कौन सी, एग्जीक्यूटिव वाली, और वाई करते हैं इकोनॉमी वाली। मान ले पहले देखो, तो लेट एक्स बी द इकोनॉमी क्लास टिकट, नहीं इकोनॉमी नहीं, एग्जीक्यूटिव मान लेते पहली वाली, तो एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट एंड वाई बी द इकोनॉमी क्लास टिकट, इकोनॉमी क्लास टिकट सोल्ड बाय द एयरलाइंस, आर सोल्ड लिख दो, चलो आर सोल्ड बाय द एयरलाइंस, हो गया ना तक। तो अब चलते हैं, मैंने कहा था पहले क्या निकालते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन में निकालना होता है प्रॉफिट निकालना है ना, हाँ तो प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट को जेड बोलेंगे। तो प्रॉफिट कैसे होगा, आपको पता है एग्जीक्यूटिव वाली पे 1000 रुपीज बचते हैं और इकोनॉमी वाली पे 600। तो टिकटें कितनी है, एग्जीक्यूटिव वाली एक्स, इकोनॉमी वाली वाई, इस एक टिकट पे 1000 रुपए बच जाते हैं, प्रॉफिट हो गया। तो कुल प्रॉफिट कितना हुआ, 1000x, यही हुआ ना। हाँ तो लेट लिख दो प्रॉफिट गिवन बाय जेड, तो दिस एम्प्लाइज मैक्सिमाइज, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमम होगा ना, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू प्रॉफिट मैक्सिमम, तो मैक्सिमम जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ तो इस 1 टिकट पे 1000 रुपीज बचते हैं, टिकट कितनी है एक्स, तो कितनी हो गई एक्स 1000, तो यहां बच गई। ठीक है, प्लस में अगला बोलो कितने बचते हैं यहाँ पे 600, कुल कितनी सीटें हैं, कुल कितनी टिकटें हमारे पास वाई, तो कितने हो गए 600y, ये लो। आई होप समझ आया होगा मैंने क्या लिखा है। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, तो पहले जेड बन गया, अब क्या रहेगा स्टूडेंट्स, अब रह गया सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट में इक्वेशंस क्या क्या आएंगी। तो देखो मैं सीधी राइट करता हूँ, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, देखो
फ्रेंड्स थोड़ा टिक कर ले, अगर क्वेश्चन पे कोई दिक्कत नहीं है कि आपको समझ आना चाहिए क्या क्या बातें रह रही हैं, वो देखो आप। 200 रह गया, वन प्रॉफिट ऑफ, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, 20 रह गया, ये 4 रह गया, बस यही ना। चलो इनसे बनाते हैं इक्वेशन। पहले सबसे पहले क्या है, 200 पैसेंजर्स, और तो कोई पैसेंजर नहीं है ना, यही पैसेंजर 200 पैसेंजर है, मतलब पैसेंजर 200 उसमें जाते हैं और वो मैक्सिमम है। तो पैसेंजर कितने जाएंगे, जितनी टिकटें सोल्ड होंगी, ठीक है ना। ये थोड़ी कि मेरी टिकट भी, मैंने टिकट नहीं ले रखी है, थोड़ी कि मैं जा सकता हूँ उसके अंदर। तो कितने जाएंगे, जितनी टिकटें, जितनों के पास टिकटें होंगी, मतलब ये हुआ कि 200 के पास टिकटें हैं, और 200 के पास टिकटें कौन कौन सी हैं, एक्स और वाई मिला करके है। तो स्टूडेंट्स क्या बन गया, एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे कितना हो गया 200, यही हुआ ना भाई। यही तो मेरी टिकटें बिकी हैं, जो मैंने बेची हैं टिकटें, है ना। ये टिकटें हमने सोल्ड आउट की है, ये टिकटें सोल्ड हुई है, तो x प्लस वाई दोनों का सम कितना होगा, 200 होगा, क्योंकि यहाँ पे गिवन है ना कि 200 पैसेंजर ही उसमें जा सकते हैं एयरप्लेन के अंदर। तो 200 मैक्सिमम है या मिनिमम, मैक्सिमम है, और जब मैक्सिमम है तो क्या करते हैं, लेस देन इक्वल टू, तो बीच में क्या आएगा सिंबल, लेस देन इक्वल टू का। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन प्रिपेयर होगी, देखो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200, क्लियर है। सेकेंड चले, नेक्स्ट देखते हैं। The airlines reserves at least 20 seats for executive class. मतलब ये हुआ कि airlines वाले 20 seat reserve कर देते हैं, कौन सी, executive वाली, बस केवल यही है। executive वाली कौन सी है, x, यही तो executive वाली, कि x सीटें कितनी reserve हैं, 20। तो at least है या क्या है, at least मतलब minimum, minimum मतलब greater than equal to, तो यहाँ पे क्या आएगा, greater than equal to, बना। तो फर्स्ट क्या बना, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200, सेकंड क्या बनेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 20, बस इतनी है सेकंड इक्वेशन। थर्ड आ जाओ, थर्ड आएगा, हाउएवर एट लीस्ट 4 टाइम्स एज मेनी पैसेंजर्स प्रीफर टू ट्रेवल बाय इकोनॉमी क्लास, वही हो गया ना कि इकोनॉमी क्लास में 4 गुना ज्यादा, मतलब इकोनॉमी क्लास कौन सी है मेरे पास, y वाली, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव कौन सी है, x वाली, लिखा पहले मैंने, ये इकोनॉमी लिखी पहले और ये एग्जीक्यूटिव वाली, ये वाली 4 टिकटें बिकती हैं, तब जाके ये एक बिकती है, दोनों बराबर कब होंगी, जब मैं इसको 4 से कर दूं मल्टीप्लाई, ये होगा ना कि अब दोनों बराबर हो गए ना, कि एग्जीक्यूटिव वाले को मैं 4 से कर दूं मल्टीप्लाई, दोनों बराबर हो गए, क्लियर आ तक। बट बराबर अभी नहीं, क्यों, क्योंकि अभी ज्यादा कौन सा है, एटलीस्ट ये वाला, वाई वाला, इकोनॉमी वाला, क्योंकि क्या कहते हैं इकोनॉमी में, कि कम से कम 4 बिकती हैं तब जाके वो एक बिकती है, जरूरी नहीं कि 4 ही बिके, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बिके तब जाके एक बिके, लेकिन कम से कम 4 तो बिकनी ही बिकनी है। तो इसलिए मैंने 4 से यहां कर दिया मल्टीप्लाई, हो गया, और अब भी ये ज्यादा है, बराबर भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, ये वाला केस, क्लियर है। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई, और लास्ट टाइम अपनी तरफ से लिखते ही है x, y greater than equal to 0, ये इक्वेशंस बनेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, इनको आप सोल्व करोगे, इसकी बनेगी टेबल, इसकी बनेगी टेबल, टेबल इसकी कैसे बनाएंगे, y को वहां ले जाएं, 4x माइनस y बराबर 0 कर ले, ये तो बाद में रख के देखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर जो आप रखोगे 0-0 वाला रूल, सीरीड पार्ट के रखोगे ना, तो ये रूल फेल होना है, कि 0-0 यहाँ पे सेट नहीं होगा, रख के देख लो, 0 यहाँ 0 यहाँ, फेल हो गया। तो फिर क्या रखेंगे, तो मैंने बताया था आपको, कई बार बता चुका हूँ, एक ऐसा पॉइंट जो इस लाइन पे नहीं आएगा, बाहर रहे, इधर इधर कहीं भी रहे, वो उठा के रखेंगे यहाँ पे, सेटिस्फाई करता है तो सेड पार्ट उस तरफ जिस तरफ वो पॉइंट है, और अगर नहीं करता है तो उसे ओपोजिट, क्लियर है। तो इस तरह का पार्ट हमारे पास, ये क्वेश्चन है, आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसके बाद आप खुद भी सोल्व करना, ट्राई करना, नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, नहीं आएगा, इजीली क्वेश्चन है, अगर आप स्टेप टू स्टेप फॉलो करेंगे ना तो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने जो बताया था आपको कि किस तरह से करना होता है क्वेश्चनों को, कि एक भी लाइन नहीं छूटनी चाहिए, एक भी वर्ड का मीनिंग हमने अगर नहीं यहाँ पे शो किया है तो गलत है हमारा, तो हमने कुछ छोड़ा है क्या इस क्वेश्चन में, नहीं ना, सबका यूज हो चुका है ना। तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को हिंदी में समझें क्या कहता है, और फिर समझने के बाद उसको सोल्व करें, ठीक है, सोल्व हो जाए तो फिर तो लास्ट तक आ ही जाएगा, मतलब सोल्व मतलब पहले ये बन जाए इक्वेशन, फिर उसके बाद सोल्व हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, स्टूडेंट्स क्लियर है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इन बातों को आप दोबारा देखो, मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट के बाद सीधी इक्वेशन रिप्रेजेंट कर दी, ये लाइन नहीं लिखी बार बार, ये तो जिन्होंने लिखी रखी मैं क्या लिखूंगा बार बार,
मैं तो इनसे देख के लिख रहा हूँ, ज़्यादा करो तो ये कर दिया करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बस ये लो। वैसे मैंने ये लिखा हुआ सब्जेक्ट टू क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं, एक ही बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर होगा सब कुछ। ये मत कहना कि सर माइंड से ही क्लियर है, मैंने ये कहा ना क्लियर होगा सब कुछ, तो आप ये मत कहना हाँ सर क्लियर है बट माइंड से ही क्लियर है, इस कान से सुना इससे हमने बाहर कर दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है क्वेश्चनों को, वैसे इतना कुछ ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये कहा था कि थ्री टाइप्स के क्वेश्चन हैं। फर्स्ट हमने करवा दिए जिनमें सिंपल कैलकुलेशन थी, समझना था क्वेश्चन को और सोल्व करना था, समझना था कुछ इस तरह से कि भाई किस तरह सॉल्यूशन है उनका, क्या बोल रहा है उसको बस सोच सोच के करना था और कुछ नहीं था। सेकंड जो क्वेश्चन है मैंने वो लिखा है आप सेकंड टाइप क्वेश्चन, वो क्या क्वेश्चन है, ये टेबल वाले क्वेश्चन है जिनमें टेबल बनती है और इजीली सोल्व हो जाते हैं। अब वो टेबल कैसे बनेगी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो टेबल वाले क्वेश्चन में पहले तो पहचान क्या है कि टेबल के क्वेश्चन है, तो अगर स्टूडेंट्स एक ही बात बार बार रिपीट होती रही क्वेश्चनों में तो आप समझ जाना टेबल वाले क्वेश्चन है। कई बार ऐसा होता है कि हम देखेंगे क्वेश्चन में एक ही बात बार बार रिपीट कर रहे हैं तो आपको लगेगा वो टेबल वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो वैसे भी आप एक दो क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ आने लग जाएगा कि ये क्वेश्चन टेबल से होना है। सो ठीक है, देखना टेबल में कोई जरूरी नहीं बनानी, लेकिन आप बनाना इजी लगेगा, देखना कैसे करना है। द डाइटिशियन विशेज टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड इन सच ए वे दैट विटामिन कंटेंट्स ऑफ द मिक्सचर कंटेन्स एट लीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 10 यूनिट ऑफ विटामिन सी। एक कोई डाइटिशियन है जो खाना वगैरह बनाते हैं, जो टू टाइप्स के फूड दे रहे हैं बना करके, जैसे मार्केट में फूड उपलब्ध नहीं होते हैं क्या, जैसे बोर्नविटा आता है, हॉर्लिक्स आता है, पीडियाश्योर आता है, इस तरह के हमारे पास मार्केट में आते हैं ना, ये भी तो फूड ही होते हैं सारे, इनसे भी हमें एनर्जी मिलती है, इनमें विटामिन प्रोटीन जो भी डालते हैं वो। तो ऐसा ही कुछ डाइटिशियन है वो बना रहा है दो तरह के मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड, दो तरह के फूड बनाएगा जिनमें क्या डालेगा विटामिन कंटेंट डालेगा उस मिक्सचर के अंदर, कितने कितने एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए, कि उन फूड के अंदर वो 8 यूनिट विटामिन ए डालेगा कम से कम है, ज़्यादा भी हो सकता है, 10 यूनिट ऑफ विटामिन सी डालेगा, कम से कम 10 यूनिट ऑफ विटामिन सी डालेगा। ठीक है, आगे चले, फूड वन कंटेन्स, अब जो फूड थे उनको नेम दी जाएगा, एक को फूड वन एक को फूड टू, तो कहते हैं फूड वन में क्या, फूड वन कंटेन्स 2 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए, कि फूड वन के अंदर क्या होगा 2 यूनिट्स पर केजी, 1 किलो की जो पैक होता है पैकिंग होती है उसके अंदर 2 यूनिट विटामिन ए डालेगा। ठीक है, एंड 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन सी, और विटामिन सी डालेगा 1 यूनिट 1 केजी के अंदर। ठीक है, ये तो फूड वन की बात है। फूड टू में, फूड टू कंटेन्स 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए, फूड टू में क्या डालेगा 1 यूनिट पर केजी विटामिन ए, 1 केजी के पैक में 1 यूनिट विटामिन ए डालेगा 2 के अंदर, एंड 2 यूनिट पर केजी विटामिन सी, और 2 यूनिट 1 केजी के पैक में विटामिन सी डालेगा। इट कॉस्ट ₹50 पर केजी टू परचेज फूड वन, मतलब फूड वन की जो कॉस्ट है वो कितनी है ₹50 है, फूड टू कितनी है ₹70 है, तो कहता है सोल्व इट ग्राफिकली फॉर द मिनिमम कॉस्ट ऑफ सच ए मिक्सचर, मिनिमम कॉस्ट आपने निकालनी कितनी आएगी। तो देखो स्टूडेंट्स, मेन बात यह है कि क्वेश्चन में बार बार वही बातें रिपीट हो रही है, फूड वन फूड टू विटामिन ए विटामिन सी, फूड वन फूड टू विटामिन ए विटामिन सी, तो आपको दिख रहा है क्वेश्चन में कि टेबल बनेगी। अब वो सोल्व कैसे करना है मैं आपको बताने वाला हूँ, देखना कैसे बनती है, इजी बढ़ेगा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, देखना क्या होगा। सबसे पहले मान लें कि कितने के जी मिक्सचर बनाया फूड वन फूड टू ऐसे। ठीक है, तो लेट द डाइटिशियन X kg mix of food F1 ही मान लीजिए, फूड वन मान लीजिए X kg, तो मिक्स बनाया फूड F1 का, एंड Y kg of food F2 फूड Y kg बनाया 2 के लिए। ठीक है, मतलब ये मिक्सचर प्रिपेयर किया उन्होंने। ठीक है, इस तरह से
हो जाएगा आगे, ये डाइटिशियन ने किया है, आगे भी लिख सकते हो आप फॉर मिक्सचर, ठीक है। तो चलो हो गया यहाँ तक, इतनी कोई बात नहीं। मेन बात है अब एक्स के जी तो फूड एफ वन है, मतलब हमारे पास एक्स के जी फूड एफ वन और एफ वन क्यों माइंड में आ रहा है, एफ वन नहीं वन, ठीक है। एक्स के जी तो फूड वन है और वाई के जी फूड टू है, ठीक है। अब चले तो देखो पहले आते टेबल, देखना कैसे बनेगा टेबल से। देखिए इस तरह की देखिए टेबल, बस क्या है, पहला फूड वन है, सेकंड फिर यहां पे फूड टू है, यहां पे आ जाएगा मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है। मिनिमम रिक्वायरमेंट यहां पे आएगा विटामिन ए, यहां पे आएगा विटामिन सी और यहां पे कॉस्ट, इस तरह बनाएंगे। यहां आप फिगर में डालेंगे काउंटिंग क्या क्या है। तो देखो फूड वन के अंदर विटामिन ए, ये रहा फूड वन में 2 यूनिट पर केजी विटामिन ए, मतलब यहां पे आएगा 2 यूनिट पर केजी, हो गया, हो गया ना। फूड वन में विटामिन ए 2 यूनिट पर केजी, फूड वन में विटामिन सी एंड 1 यूनिट पर केजी, हाँ तो 1 यूनिट पर केजी हो गया। नेक्स्ट चले फूड टू में विटामिन ए, फूड टू में विटामिन ए 1 यूनिट, हाँ तो ये हो गया 1 यूनिट पर केजी। फूड टू में विटामिन सी, फूड टू में विटामिन सी 2 यूनिट, हाँ तो यहां पे हो गया 2 यूनिट पर केजी, हो गया यहां तक। ऐसे भर के काउंटिंग यहां पे। अब मिनिमम रिक्वायरमेंट की विटामिन ए की कितनी रिक्वायरमेंट है कम से कम, तो क्या बोला है ना, एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए, 8 यूनिट मिनिमम रिक्वायरमेंट है और इसकी 10 यूनिट्स, 8 यूनिट तो विटामिन ए की रिक्वायरमेंट है, 10 यूनिट्स विटामिन सी की रिक्वायरमेंट मिनिमम है, कम से कम इतने होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे कॉस्ट, तो 50 तो इसकी कॉस्ट है और 70 इसकी कॉस्ट है, क्लियर है। ऐसे बनती है टेबल, पहले तो आप ये मान लें काउंटिंग के अंदर, ठीक है, कि x kg और ये y kg, ये हो गया फूड वन और फूड टू। आगे चलते हैं, तो फूड वन और फूड टू के लिए ऐसे टेबल बनेगी, फूड वन फूड टू विटामिन ए विटामिन सी, यहाँ पे कॉस्ट लगा दो, यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट जो बोला गया क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग कर दिया, बन गई टेबल, बना दी। इसको बनाने के बाद टेबल को अपने जेड बनेगा, क्वेश्चन सोल्व होगा, बड़ा ईजी है ऐसे बनाना आप सब कुछ। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट जेड बनता है, जेड क्या है क्वेश्चन में, मिनिमम कॉस्ट है, तो कॉस्ट कितनी है 1 की, फूड 1 का 1 केजी कितनी 50 रुपीज, एक्स केजी कितनी होगी 50x, है ना। तो क्या लिखोगे, लेट कॉस्ट गिवन बाय जेड, तो दिस एम्प्लाइज मिनिमम जेड बराबर, जो कॉस्ट कैसे निकालनी है मिनिमम, तो मिनिमम जेड बराबर क्या हो जाएगा, कॉस्ट कितनी होगी, तो 51 के लिए है 1 केजी के लिए, और कितने केजी हमारे पास एक्स के जी, तो कितना हो गया 50x प्लस में यहां पे कितना हो जाएगा 70y हो गया। और अब नेक्स्ट आएगा सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। स्ट्रेट्स बड़ा इजी है, कोई डाउट नहीं होने वाला क्वेश्चन में, देखना क्या आएगा। फूड वन के कितने पैकेट हमारे पास एक्स है ना, 1 केजी में कितने मिलाएंगे विटामिन ए 2 यूनिट, तो एक्स के जी में कितना मिलाया गया 2x, 1 केजी में 2 यूनिट, एक्स के जी में 2x यूनिट, हो गया 2x। विटामिन ए में चलते हैं आगे, फूड टू कितने हैं वाई 1 यूनिट 1 केजी के लिए, तो वाई के जी के लिए वाई यूनिट, दोनों होगी मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा प्लस में वाई, कि इन दोनों का प्लस हो गया, हो गया, और ये किसके बराबर है 8 के बराबर है, बट एक को थोड़ी आता है, क्या है कम से कम एटलीस्ट, अरे क्वेश्चन एटलीस्ट, तो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, क्लियर है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो देखो कितना इजी बनाना, सेकंड आ जाओ, यहां पे कितना है 1 विटामिन सी 1 यूनिट पर केजी, तो x में कितने हो गए खाली x, सिंपल यहां से कितना हो गया 2y, और यहां पे कितना है आगे 10, फिर मिनिमम है ग्रेटर देन इक्वल टू, और लास्ट में क्या x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए। काउंटिंग के अंदर कोई चीज रहनी नहीं चाहिए थी, देख लो हमने सबका यूज टेबल में कर दिया, टेबल से मैंने एक क्वेश्चन बना दी। ये क्वेश्चन है वो सेकंड टाइप जो टेबल वाले क्वेश्चन में कह रहा था आपसे, ठीक है। थर्ड टाइप और है एक, तो कल जो वीडियो देंगे स्टूडेंट्स उसमें दोनों ही टाइप्स खत्म करेंगे, थर्ड वाले भी एक इसका सेकंड टाइप का एक क्वेश्चन और दे देंगे आपको टेबल वाला, बाकी आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो मुझसे पूछ सकते हैं। सारे हिंट मैंने आपको बता दिए, क्वेश्चन जो जो हिंट यूज होते हैं उनके अलावा और कोई एक्स्ट्रा हिंट नहीं आने वाला है क्वेश्चन पे, ठीक है। फिर भी कोई आपको डाउट लगे तो आप पूछ सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप में या कॉमेंट डाल के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही कराते हैं, लेकिन आई होप ये समझ आया होगा मुझे इतना पता है, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए वैसे तो। चलिए स्टूडेंट्स, अच्छा ये क्वेश्चन आगे तो सोल्व करना है अभी आपने, ठीक है ना। आगे तो ग्राफ, आगे तो वही है, ग्राफिकली सोल्व होगा, ग्राफ में बनेगा और ग्राफ सोल्व करके आप उसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, वो जो वैल्यू आएगी वो जेड को जो सेटिस्फाई करेगी वैल्यू वो। आगे स्टूडेंट्स वही क्वेश्चन है जो हम शुरू में हमने टू वीडियोस में करवाए थे, क्वेश्चन टू क्वेश्चन मैंने सोल्व कराए थे, सेम वही है। मैं वहां पे छोड़ रहा हूँ कि नहीं तो टाइम काफी लग जाएगा सोल्व कराने में इनको, ठीक है। ये तो फिर चैप्टर बहुत लेंदी हो जाएगा, वैसे कुल मिला के चैप्टर है 1 या 2 डेज का ही, लेकिन हमने फिर भी आपको 4-5 वीडियोज दे दी हैं। आज शायद हमारी इस चैप्टर में 4th वीडियो है, कल एक और आएगी, कल लास्ट वीडियो देंगे इस चैप्टर के ऊपर 5th वीडियोज, ठीक है स्टूडेंट्स। कल उसमें थर्ड टाइप के बारे में बताएंगे, सेकंड तो ये है ही, इसी के ऊपर ही 1 क्वेश्चन और कराएंगे, मतलब कल की वीडियो में 2 क्वेश्चन आपको होते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स फिर भी मैं आपको फिर कहता रहता हूँ बार बार, वीडियोस को कंप्लीट देखेंगे तो समझ में आने वाला है, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। अच्छा कई बार ऐसा होता है कि हम देख रहे हैं फिर भी हमें समझ नहीं आ रहा है, तो क्या 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 करें आप, प्लीज़ वीडियो के ऊपर फिर रिमाइंड करें, फिर देखें, क्योंकि हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है, रटना नहीं है अपने क्वेश्चनों को, अरे ये नहीं आया तो अगला देख लेंगे, नहीं ऐसा नहीं। अगर ये नहीं आया तो सोचें कि ये क्यों नहीं आया, तो उसको पहले कंप्लीट सोल्व करें और फिर आगे चले क्वेश्चनों पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप जो बताई मैंने बातें उन पर आप गौर करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिफाइन करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। थैंक यू।